उज्जैन दक्षिण विधानसभा के विधायक हैं मोहन यादव, जो कैबिनेट मंत्री हैं, पर उनके विधानसभा क्षेत्र में आने वाले ऐसे कई गांव हैं जहां के किसानों को बारिश के दौरान जो फसल हुई थी खराब, उसका मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। किसानों ने लिखित में शिकायत की जिला मुख्यालय कैबिनेट मंत्री मोहन यादव के समक्ष, पर ना इन किसानों की सुनवाई हुई और ना ही इन किसानों की समस्या का निराकरण हुआ। किसान परेशान हैं और कह रहे हैं कि हमने हमारी समस्या परेशान अधिकारियों को भी बताई और हमारे जनप्रतिनिधि डॉक्टर मोहन यादव जो कि बताए, पर हमारी समस्या का निराकरण नहीं हुआ और हमारी सुनवाई नहीं हुई। अब हम किसके पास जाएं और हमारी समस्या के निराकरण की उम्मीद अब किससे करें और कैसे करें? अरवाज गाँव के किसान बेहद परेशान हैं, जिनकी परेशानी बारिश में फसल खराब हुई थी पर ना सर्वे किया गया और ना राहत राशि मिली। बताइए यहाँ पर कितनी ज़मीन है किसानों की जो डूब जाती है, ख़राब हो जाती है, और किस प्रकार से फिर आप लोगों ने शिकायत की थी और क्या पूरा मामला है बताइए? बारिश में 400 बीघा की ज़मीन ज़्यादा डूब में गई थी, टोटल फसल नष्ट हुई है। एक दाणो भी निकलो, मतलब डादलर कटाड़ी कटाड़ी फीकी ऐसी सोयाबीन खड़ी थी। अच्छा, सब दूर नो मुआवजो मिल गयो, आजरानो छेटी है मानो मुआवजो मिल गयो, कंडारे नो मिल गयो। सब करीब कितने बीघा फसल होगी ये जो ज़मीन है? कम से कम 400 बीघा जमीन। 400 बीघा ज़मीन होती, मतलब सड़ी गई। अच्छा, तो इस बारे में आपने जो क्षेत्रीय जो अधिकारी रहते हैं, पटवारी रहते हैं, इनको बताया नहीं कि सर्वे करें, आकलन करें? सर्वे करिए तो, पर पटवारी बोले अपने एरवास में पैसा नहीं देंगे कोई भी। क्यों, ऐसा क्यों? नहीं मानो कोई दबाव था, मतलब आपने कहा, आपने बताया नहीं कि किसानों का नुकसान हुआ है, दिखवाई सब, मतलब सब कागज पाना तैयार कर, पटवारी ले भी गयो तो पैसों भी आई गयो पर मलवा नहीं दी किसानों, नाम ही हटाई दो। अच्छा, किसानों को 25-30 जना हेल्पलाइन पे शिकायत करी, हेल्पलाइन वाला सब कह के नुकसान नहीं हुआ एरवास, तो कहा आई ने देखो तो सही, जांच तो करो, कोई अधिकारी नहीं, अधिकारी इन जांच तो करो ना, तो भी क्या कि नहीं हुआ नुकसान बस। बताइए क्या नाम है आपका? बहादुर सिंह। बहादुर सिंह जी कहाँ रहते हैं आप? एरवास। बताइए आपकी कौन सी फसल खराब हुई थी, कितनी हुई थी और क्या हुआ था? सोयाबीन सब डूब में चली गई। तो इस बारे में आपके जो पटवारी हैं, जो अधिकारी हैं, उन्होंने सर्वे आकलन वगैरह नहीं किया था? बिल्कुल भी नहीं किया, कहीं सुनो ही नहीं करी सुनवाई, बिल्कुल भी सुनवाई नहीं हुई। फिर क्या दिक्कत आ रही, क्या समस्या और क्या परेशानी आ रही? यही मतलब कहीं मुआवजा वाजा कुछ भी नहीं आया, नहीं मिला। हाँ, कब से नहीं मिला और किस तरह के क्या रहा? अभी डूब में गई, इसका कुछ भी नहीं मिला। आपने शिकायत वगैरह बताई, समस्या वगैरह सड़क पर नहीं मिला अभी तक? बिल्कुल भी नहीं मिला। भैया बताइए क्या नाम है आपका? राहुल भैया। बताइए, वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।